हर किसी को हक है ज़िंदगी में कुछ अच्छा सोचने का और कुछ अच्छा करने का, लेकिन उस अपने हक का हम कितना उपयोग करते हैं ये डिपेंड करता है हर किसी की अपनी सोच पे। अक्सर दुनिया में ऐसा देखा गया है कि हम जी तो वर्तमान में रहे होते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के पलों को या अपनी सोच को या अपने विचारों को कहीं अतीत में हम भूले बैठे रहते हैं। एक विद्वान ने कहा भी है कि अतीत में जीने वाला वृद्ध, भविष्य में जीने वाला बच्चा और वर्तमान में जीने वाला होता है युवा। हम बीते हुए समय की उन बुरी घटनाओं को हमेशा याद करते हैं और उससे अपने अतीत की उन यादों को वर्तमान में ला करके बोते हैं। वर्तमान जो समय है कि हमारे पहले की गई गलतियों का, पहले की हुई बुरी यादों का हम मिटाएं और कुछ नया बेहतर करें, वहाँ पर हम पुरानी बुरी यादों को सोचें, तो इससे हम अपना आने वाला भविष्य भी कहीं ना कहीं बुरा बना रहे हैं। यानी अतीत में अगर गलत हो और वर्तमान में हम उसका चिंतन कर रहे हैं तो भविष्य में कुछ गड़बड़ होने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी ओर अगर अतीत में हमारे साथ कुछ बुरे अनुभव हुए हैं, माना कि वो हमारी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वर्तमान में उसके बारे में अच्छा सोच करके, शुभ सोच करके हम आने वाले भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। बात कहने की सिर्फ यही है कि हम अपने अतीत की बुरी यादों को भुलाएं या मिटाएं, उसके ऊपर भी मेहनत न करके उससे जो सीख मिली है उसको सीखें, वर्तमान में सकारात्मक दिशा में कुछ करें, भविष्य अपने आप बेहतर होगा।